दुनिया में अब एक ऐसी जंग छिड़ती हुई दिख रही है जिसके आगे रूस और यूक्रेन का युद्ध भी छोटा नजर आने लगेगा। ऐसी जंग जो वाकई तीसरा विश्व युद्ध करा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। 30 साल पुरानी उनकी लड़ाई में ईरान और इसराइल कूदते हुए दिख रहे हैं, और अगर ईरान और इसराइल भिड़े तो तबाही के रिकॉर्ड टूटने तय हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी के किस्से तो बच्चा बच्चा जानता है। और जब ईरान और इसराइल के मन में बरसों से सुलग रही दुश्मनी को जंग के मैदान पर निकालने का मौका मिलेगा तो जाहिर है नफरत का लावा ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह फूट पड़ेगा। ईरान और इसराइल के भिड़ने की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि अजरबैजान इसराइल में अपनी एम्बेसी खोलने का मन बना चुका है। इसराइल का अजरबैजान में दूतावास 1993 से ही है, लेकिन 30 साल के रिश्तों में यह पहली बार होगा जब अजरबैजान भी इसराइल में अपनी एम्बेसी खोलेगा। बस अजरबैजान और इसराइल की इसी करीबी ने ईरान का दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि अजरबैजान के इसराइल में दूतावास खोलने का मतलब यह होगा कि दोनों देशों की दोस्ती पर राजनयिक स्तर पर भी मोहर लग जाएगी, और यह ईरान कतई नहीं होने देना चाहता। ऐसा इसलिए क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में ईरान दूसरी तरफ खड़ा है। ईरान भले ही अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों का पड़ोसी है, लेकिन नागोर्नो कराबाख की लड़ाई में वो आर्मेनिया के साथ है, जबकि अपने दूसरे पड़ोसी अजरबैजान से उसकी जबरदस्त टेंशन चल रही है। ऐसी टेंशन की पिछले हफ्ते ईरान के सरकारी चैनल ने इसराइल और अजरबैजान को धमकाता हुआ एक गाना तक जारी कर दिया था। और तो और ईरान ये तक कह चुका है कि अगर आर्मेनिया की जमीन पर अजरबैजान ने कब्जा किया तो फिर ईरान भी इस जंग में कूद जाएगा। पिछले महीने ही अपनी ताकत दिखाने के लिए ईरान अजरबैजान के बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी कर चुका है। यानी पिक्चर बिल्कुल साफ है, जंग में आर्मेनिया की तरफ होगा ईरान और अजरबैजान की तरफ से लड़ेगा इसराइल। और यही ईरान का बड़ा खेल है, क्योंकि शिया मुसलमानों का रहनुमा बनने वाले ईरान ने धर्म को ही टाटा बाय बाय कह दिया है। ईरान शिया मुस्लिम देश होने के बावजूद बहुसंख्यक ईसाई आबादी वाले आर्मेनिया से हाथ मिला बैठा है, जबकि अजरबैजान में भी शिया मुस्लिम ही बहुसंख्यक है। लेकिन जब सामने इसराइल जैसा कट्टर दुश्मन बैठा हो तो ईरान को धर्म को भूल जाने में ही भलाई दिखी। इसराइल अजरबैजान के बड़े हथियार सप्लायरों में एक है, और उसके हथियारों का दम तो पूरी दुनिया भरती है। इसराइल के पास जबरदस्त ड्रोन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों का भरा पूरा जखीरा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल से मिले ड्रोन की बदौलत ही अजरबैजान युद्ध में आर्मेनिया को हरा पाया था। वहीं एक अनुमान के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच अजरबैजान ने अपने हथियारों के इंपोर्ट का 69% हिस्सा इसराइल से मंगाया था। ऊपर से ईरान अजरबैजान में इसराइल की सेना की मौजूदगी का आरोप भी लगाता रहा है। ये भी कहा जाता है कि इसराइल अजरबैजान से ईरान के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन चलाता है। ऐसे में अगर ईरान का दुश्मन उसके पड़ोस में ही जम जाएगा तो ईरान को परेशानी होगी। ये भी एक वजह है कि ईरान बीते कुछ वक्त से अपनी सेना को मजबूत बनाने में लगा है। वो अपने हथियारों पर भी काम कर रहा है, और उसके शाहिद ड्रोन तो कीव पर कहर ढाई रहे हैं। लेकिन इस जंग में सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा परमाणु बम, क्योंकि इसराइल के पास परमाणु हथियार हैं और ईरान पर पूरी दुनिया को शक है कि वो परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। अब अगर दिमाग की गर्मी में परमाणु बम फट गया तो फिर तो इस दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा। और तो और इसराइल और ईरान की लड़ाई वाकई तीसरा विश्व युद्ध छेड़ सकती है। वो ऐसे कि अमेरिका इसराइल का दोस्त है और ईरान अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाता। वहीं ईरान और रूस की दोस्ती नए नए गुल खिला रही है। ऐसे में अपने अपने दोस्तों का साथ देने के लिए अमेरिका और रूस भी जंग में एंट्री ले सकते हैं, और अकेले रूस और अमेरिका के पास ही दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90% से ज्यादा हिस्सा है। इसलिए अमेरिका के आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच मध्यस्थता कराने के बाद पुतिन ने भी दोनों दुश्मनों के बीच शांति लाने के लिए कोशिश शुरू कर दी, और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री और अजरबैजान के राष्ट्रपति को रूस बुलाया और दोनों के साथ अलग अलग मुलाकात की। लेकिन एक दूसरे के खून के प्यासे इसराइल और ईरान के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि बाइडेन से लेकर पुतिन चाहे आर्मेनिया और अजरबैजान की दुश्मनी खत्म कराने की लाख कोशिश कर लें, ईरान और इसराइल ने उन्हें अपनी पावर पॉलिटिक्स का अखाड़ा बना दिया है।